जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम रत्नम श्रीवास्तव, पोस्टेड एट गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स हाई स्कूल, नेहरू नगर, भोपाल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक वी हाइव द फन दे हैड, रिटन बाय आइज़ैक एसिमोव। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस textual questions with their answers. So before starting discussion about question answer, we will revise the story in short. This amazing chapter, The Fun They Had, takes us forward to the year 2157. It is a world where computers are playing a major role. It introduces us to a world where humans are taught by robots. The education system is entirely digitalized and there are no school buildings. The children of the year 2157 are surprised to know that teachers, books and schools were so different centuries ago. इस कहानी की रचना भविष्य काल में की गई है बच्चों, जब शायद आज की तरह के स्कूल्स और पुस्तकें, बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे। आज से लगभग 150 वर्ष बाद के काल में दो विद्यार्थी, मार्गी एंड टोमी, एक छपी हुई पुस्तक को देखते हैं और वे बहुत हैरान हो जाते हैं। वे पुराने जमाने मींस आज के समय के स्कूल्स और बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वे उस समय के स्कूल्स को अपने समय के स्कूल से कंपेयर करते हैं। उनके समय के स्कूल उनके घरों में ही स्थित हैं और उन्हें जो शिक्षक पढ़ाते हैं, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग बट दे हैव मैकेनिकल टीचर्स, दिस टाइप ऑफ ओके। और उनकी बुक्स कैसी है? मूविंग टेक्स्ट है, स्क्रीन पे जो बुक्स आती हैं। तो एंड सो कंपैरिजन के दौरान मार्गी और टॉमी को उनके स्कूल्स डल और बोरिंग लगते हैं। वे सोचते हैं कि पुराने समय के स्कूल्स में स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वे बहुत खुश होते होंगे जब आसपास के सभी बच्चे एक लिवली टीचर के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते होंगे। सो इट इज़ अ वेरी अमेजिंग चैप्टर विच टेक्स अस फॉरवर्ड टू ईयर 2157 and it has been written by Isaac Asimov. Before starting question answer, let's discuss some vocab, some new words of this chapter. First is crinkly. Crinkly means hota hai full of wrinkles, सलबटों से भरा हुआ। इसको अगर हम sentence में use करें, she wore a crinkly dress in the party. स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो जिसे हम पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल, दे आर ओपनली स्कॉर्नफुल ऑफ द न्यू प्लान। फनी मीन्स कॉजिंग फन, जो हमें हंसा दे, दैट इज फनी। डू यू नो एनी फनी जोक्स? हम अक्सर अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं ना। इमेजिन, इमेजिन मीन्स होता है थिंक, कल्पना करना, सोचना। इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग ऑन अ बीच, तो आप सोचने लगेंगे कि कितना मजा आएगा। ऑफुली मीन्स ग्रेटली, अत्यधिक या बहुत ज्यादा। इट वॉज ऑफुली हार्ड टू प्ले पियानो फॉर मी। एटिक, एटिक होता है घर की जो सबसे ऊंचा कमरा होता है, जिसे हम अटारी भी कहते हैं, टॉप मोस्ट रूम। Tommy found a real book in the attic. Loftily, loftily means in a superior way, बड़े रॉब से। Blanked out, blanked, blanked out means got off the screen, स्क्रीन से हट जाना। बेचा, बेचा a bird for a bat, हम शर्त लगाते हैं तो हम कहते हैं ना, that is बेचा। Nonchalantly means unwillingly, na chahte hue. And geared means changed and fixed, badal diya jana, badal diya gaya tha. Aap question answer dekhte hain.
Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. थोड़े से शब्दों में या एक दो वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे? मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी की उम्र थी 11 वर्ष और टॉमी की 13 वर्ष. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था? मार्गी रोट इन हर डायरी. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. क्या लिखा? कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक किताब मिली, रियल बुक मिली. और ये उसने अपनी तारीख में डेट क्या डाली थी? 17 मई 1157. क्वेश्चन नंबर थ्री, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्गी ने कभी पहले कोई पुस्तक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. इससे पहले मार्गी ने कभी कोई रियल बुक नहीं देखी थी. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज. उसे किताब के बारे में कौन सी बातें अजीब लगी, विचित्र लगी, जो उस समय की किताबों से अलग थी? द थिंग्स अबाउट द बुक दैट सी फाउंड स्ट्रेंज वर. कौन कौन सी बातें थी देखिए. द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली. जो बुक्स के पेजेस थे वो थोड़े से पीले थे और सलवटों से भरे हुए थे. द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग. जो स्क्रीन पर जो बुक आती है उसके वर्ड्स मूव हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज, लेकिन बुक में जो प्रिंट हो जाता है वो तो एज इट इज रहता है. तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था. थर्ड इज व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द प्रीवियस पेज इट इज स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड इट. और जब वे कभी पीछे के पेजेस को चेक देख रहे थे तो बिल्कुल सेम वर्ड्स वहां पर दिख रहे थे क्योंकि वो प्रिंट थे. ओके, तो ये तीन बातें उनको स्ट्रेंज लगी. द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली. द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग. व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द प्रीवियस पेज इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड इट. व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज. टेली बुक के बारे में आपका क्या विचार है? क्या होती है टेली बुक? अ टेली बुक इज अ बुक मीन्ट ओनली फॉर टेलीविजन और स्क्रीन. वो बुक जो स्क्रीन पर दिखाने के लिए पीडीएफ फॉर्म में बनाई जाती है उसको हम टेली बुक कहते हैं. इट इज वॉट मूव्स ऑन अ स्क्रीन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ बुक. ये एक ऐसी पुस्तक होती है जो लोगों को शिक्षित करने या उनका मनोरंजन करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है. नेक्स्ट, वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स. वेयर वाज मार्गीज स्कूल. मार्गीज स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. कहाँ था मार्गी का स्कूल? उसके बेडरूम के बगल में, मींस उसके ही घर में. डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स. अब क्लास ही नहीं थी तो क्लासमेट्स कैसे होंगे? सो आंसर इज नो, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. वो तो अपने अपने घरों में बच्चे पढ़ाई करते थे, करेंगे इन फ्यूचर, राइट? क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी कौन से विषय सीखते थे, पढ़ते थे? कौन से पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. थ्री सब्जेक्ट्स आर देयर, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सेकेंड,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये लाइन देख लीजिए, फर्स्ट है हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे, क्या है, मैं इसको नहीं फेंकता, किसने कहा, किसने कहा था, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने बोला कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। व्हाट डज इट रिफर टू, इट इट का जो यूज हुआ है ये थ्रो इट, ये किसके लिए है, इट रिफर्स टू द बुक, किताब के लिए कहा है, किसको नहीं फेंकेगा, बुक को, दैट इट मींस बुक हियर। थर्ड इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। द पेपर बैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर। इट यानी बुक की तुलना स्पीकर के द्वारा, बोलने वाले के द्वारा किससे की गई है, तो जो सिंपल बुक होती है जैसी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं उनकी तुलना टेली बुक से की गई है। क्वेश्चन नंबर टू, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कह रहे हैं कि उनके पास टीचर तो था लेकिन वो हमारे जैसा टीचर नहीं था, इट वाज अ मैन, वो एक ह्यूमन बीइंग थे। हु डज दे रेफर टू, दे से किसके बारे में, दे ये दे जो प्रयोग किया गया है ये किसके लिए किया गया है, दे रिफर्स टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो हम आज के समय के विद्यार्थी हैं आप लोग, उनकी बात यहाँ पर दे के माध्यम से की जा रही है। व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, रेगुलर का मीनिंग क्या है, रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157, उस समय के जो भी बच्चे हैं स्कूल है उनके लिए यहाँ पर रेगुलर वर्ड का यूज किया गया है। हियर रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, और रेगुलर टीचर कौन है उस समय, मैकेनिकल टीचर लाइक अ रोबोट। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ, इट की मतलब इट वाज अ मैन कह रहे हैं ना, तो इसको किससे कंपेयर किया गया है, द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विथ ह्यूमंस एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम। जो यांत्रिक शिक्षक हैं, जो मैकेनिकल टीचर हैं, उनकी तुलना ह्यूमन बीइंग से की गई है। थर्ड, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। आंसर इज मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, यांत्रिक शिक्षक थे उनके पास। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बिग स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उन शिक्षकों के पास क्या होता था, बड़ी बड़ी मतलब होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन जिसमें वो सारे लेसन टेस्ट पेपर सब शो करेंगे। द चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन, और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से। दे डिड नॉट हैव ह्यूमंस एज टीचर, उनके पास आप लोगों की तरह जीते जागते इंसान शिक्षक के रूप में नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, यांत्रिक शिक्षक, रोबोटिक मैकेनिकल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर होता है, काउंटी मीन्स एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है, उस एरिया का जो निरीक्षक होता है, जो उस एरिया की सारी समस्याओं को सॉल्व करता है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। आंसर, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्योंकि
जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक शिक्षक था, वो थोड़ा सा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था. इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम. वो लगातार मार्गी को टेस्ट देता जा रहा था और मार्गी का परफॉर्मेंस हर बार खराब हो रहा था. मार्गीज मदर वॉज कंसर्न एंड दस सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो मार्गी की माँ ने इस बात का कारण ढूंढने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया. व्हाट डिड ही डू? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही मीन्स हु? काउंटी इंस्पेक्टर. तो उसने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. स्माइल किया. काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो एक ह्यूमन बीइंग था, तो उसने स्माइल किया और उसको एक एप्पल भी दिया खाने के लिए. ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट फ्रॉम हर. थोड़ी दूर ले गया. देन ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर. और फिर उसने उसको चेक करके सही कर दिया. ही टोल्ड मार्गीज मदर. और मार्गी की माँ को क्या बताया? दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. थोड़ा सा आगे बढ़ गया था. एंड दैट ही वॉज स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेबल. और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके लेबल को 10 साल के बच्चे के हिसाब से चेंज कर दिया है, सेट कर दिया है. मार्गी की उम्र कितनी थी? 11 ईयर्स. Why was मार्गी doing badly in geography? मार्गी geography में अच्छा क्यों नहीं कर पा रही थी? What did the county inspector do to help her? County inspector ने उसकी क्या सहायता की? मार्गी was doing badly in geography because the questions that were displayed on the screen of the mechanical teacher were too quick for her. एज मार्गी भूगोल में खराब कर रही थी, अच्छा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भूगोल जो है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा था, उसकी उम्र के हिसाब से तेज था, तो इसलिए वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रही थी. द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड टू एन एवरेज 10 ईयर लेबल सो दैट मार्गी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम किया और मार्गी की एज के अकॉर्डिंग 10 साल के लेवल पर उसको सेट कर दिया ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए. इस तरह से उसने मार्गी की मदद की. व्हाट हैड वंस हैपन्ड टू टॉमी टीचर. टॉमी के अध्यापक के साथ एक बार क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए? टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टूगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार टॉमी के शिक्षक को एक महीने के लिए बाहर कर मतलब निकाल दिया गया था उस क्योंकि उसके जो यांत्रिक शिक्षक थे उन्होंने हिस्ट्री सेक्टर को पूरा खाली कर दिया था. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित दिन व घंटे थे? और ऐसा यदि थे तो क्यों? आंसर, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. निश्चित उसके उसका समय था, दिन थे. बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. वह प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करती थी. क्यों? क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि यदि छोटी लड़कियाँ बच्चियाँ नियमित रूप से निश्चित समय पर सीखती हैं तो वे बेहतर सीखती हैं, अच्छा सीखती हैं. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स. टॉमी ने बताया कि उस समय के स्कूल्स में उस वो जो बुक मिली थी वो स्कूल्स के बारे में थी, तो इससे उन्हें जानकारी मिली. ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग. और सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई करने जाते थे. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह पुराने समय के अध्यापकों का
शिक्षकों का वर्णन कैसे करता है? ही टेल्स मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन इंस्टीड ऑफ मशीन्स। वो बताता है कि पहले हमारे जैसे जो इंसान होते हैं वो शिक्षक होते थे यांत्रिक शिक्षक की जगह पर। द ह्यूमन टीचर्स वुड एजुकेट द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। और वो शिक्षक उनको पढ़ाते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे, उन्हें गृह कार्य देते थे, होमवर्क वगैरह उनके द्वारा सब किया जाता था। फोर्थ टाइप है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टू और थ्री पैराग्राफ्स। इन प्रश्नों के उत्तर हमें दो से तीन पैराग्राफ्स में देने हैं और शब्द सीमा क्या होगी? 100 से 150 शब्द, 100 to 150 वर्ड्स फॉर ईच आंसर। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? इस कहानी में मार्गी और टॉमी के मशीनी टीचर्स और उनके स्कूल की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? The main features of the mechanical teachers that मार्गी एंड टॉमी है आर कौन कौन से थे? देखिए, द मैकेनिकल टीचर्स हैव बिग ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच लेसन्स आर डिस्प्लेड एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जो उनका मैकेनिकल टीचर होता था उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी, उसमें प्रश्न दिखाकर उत्तर पूछे जाते थे, लेसन शो किए जाते थे। द स्टूडेंट्स नीड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन अ स्लॉट दैट इज प्रेजेंट इन द मैकेनिकल टीचर। और उस अपना होमवर्क भी उनमें ही सबमिट करना होता था। द स्टूडेंट्स राइट आंसर्स इन पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेट्स द रिजल्ट्स राइट अवे। और वो जो आंसर होते थे वो पंच कोड में होते थे। ये कोड बच्चों को बचपन में ही सिखा दिए जाते थे और मैकेनिकल टीचर उनका रिजल्ट तुरंत बता पाता था। द मेन फीचर्स ऑफ द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव आर। अब स्कूल रूम की बात करें हम। इन द स्टोरी द स्कूल्स आर देयर इन द होम्स। स्कूल कहाँ पर है? उनके उनके ही घर पर। फॉर इंस्टेंस मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बगल में है। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स। और अपने अपने घर में है इसलिए उनके कोई सहपाठी नहीं है, साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक एरिथमेटिक हिस्ट्री ज्योग्राफी एटसेट्रा। एरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स, तो ये विषय पढ़ते हैं। द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स। और मैकेनिकल टीचर रोज सेम टाइम पे ऑन हो जाता है लेकिन वीकेंड्स पे वो ऑन नहीं होता है, ये उनमें सेटिंग रहती है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल पसंद क्यों नहीं था? व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वह क्यों सोचती थी कि पुराने जमाने के स्कूल्स मजेदार होंगे, अच्छे लगते होंगे? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी फेल्ट इट बोरिंग। मार्गी को स्कूल बोरिंग लगता था। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली। रोज एक ही समय पर उसकी जो क्लास थी वो शुरू हो जाती थी। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। और कुछ ज़्यादा वो इसलिए भी परेशान थी कि जो उसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था वो उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। मार्गी ऑल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। और उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर को इंसर्ट करना भी अच्छा नहीं लगता था। She thought that the old kind of school must have been fun because it would have kids from various places of the neighborhood. उसे ये भी लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते होंगे तो उन स्कूलों में कितना अच्छा लगता होगा। It would have been so interesting to sit together. साथ में बैठते होंगे in the classroom and leave the school together at the end of the day. और जब छुट्टी होगी तो साथ में स्कूल से घर चले जाते होंगे। All the kids learned the same thing, so they could help each other in studies and homework. और जब same books होंगी सबकी तो उनका मतलब एक दूसरे की वो help ही कर पाएंगे जैसे आप लोग करते हैं। Question number 3, do you agree with Margie that schools today are more fun than the schools in the story?
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी के स्कूलों से अधिक मजेदार हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या सोचते हैं आप? मुझे तो लगता है कि सही बात है। यस, आई एग्री विथ मागी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। जो स्टोरी में हमने स्कूल पढ़ा उसकी तुलना में आज के हमारे जो स्कूल हैं वो वास्तव में इंटरेस्टिंग हैं, अच्छे हैं। इन द स्टोरी द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम। अब घर पर ही स्कूल आ जाएगा, जैसे आजकल कोरोना काल में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि हम इसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमारा उतना अच्छा डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। दिस गिव्स नो स्पेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने हमें एक तो हमारे दोस्तों से भी दूर कर दिया है। स्टडिंग फ्रॉम स्क्रीन एंड टेकिंग अप टेस्ट्स साउंड बोरिंग। स्क्रीन से पढ़ाई करना और टेस्ट को पंच कोड में लिख के सबमिट कर देना, उससे अच्छा नहीं है कि हम टीचर से बात भी करें, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस भी करें और अच्छी हंसी खुशी के वातावरण में पढ़ाई करें जहाँ बगल में हमारे दोस्त बैठे हों। इंसल्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन अ स्लॉट ऑन अ मैकेनिकल टीचर एवरी डे इज मोनोटोनस। बिल्कुल वही प्रतिदिन की सेम दिनचर्या हो जाती है, बोरिंग हो जाता है। राइटिंग आंसर्स इन पंच कोड इज इवन मोर ड्रेनिंग। और पंच कोड में आंसर लिखना भी उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है, जैसे आप अपने मन के बात को अपने शब्दों में लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लर्निंग टुगेदर इन अ क्लास गिव्स स्टूडेंट अ वाइडर व्यू ऑफ द पीपल। जब हम साथ में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं, नया नया कुछ सीखते हैं, किसी के घर में कुछ हुआ, किसी ने कोई और बात बताई। स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट फैमिलियर विद अदर्स एंड लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज। और बच्चे एक दूसरे से फैमिलियर होकर ये भी सीख, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया साथ में रहने से ही पूर्ण हो पाती है। Getting taught by human teacher is way more dynamic than being taught by a machine. मशीन से पढ़ने से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम ह्यूमन टीचर से पढ़ाई करते हैं। If there is any issue with any lesson or concept, the student can ask the human teacher then and there. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो हम शिक्षक से डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन लगा के पूछ लीजिए, क्लास में पूछ लीजिए। But mechanical teachers are programmed with a certain lesson and concept for a particular day. लेकिन जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग होती है, उनमें जो अंदर फीड कर दिया गया वही हमें वो बताएगा। ड्यूरिंग द टाइम वेन द स्टूडेंट सॉल्व्स होमवर्क ही और सी कैन गेट हेल्प फ्रॉम क्लासमेट्स। इसके बाद जब हम होमवर्क करते हैं, कभी हम किसी दिन स्कूल नहीं गए तो हम अपने साथियों से पूछ लेते हैं आज क्या पढ़ाया था, हम पूरा कर लेते हैं। कोई लेसन हमको नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट हमें टफ लगा तो हमने उससे डिस्कस कर लिया। दैट्स हाउ द स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। ये मेरा व्यू है, अगर आपका व्यू इससे अलग हो तो प्लीज़ राइट लिखें उसे और अपने विषय शिक्षक से चेक भी कराएं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दीज न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड रीड देम अगेन एंड अगेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।